हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो दिवाली आने वाली है और हम सभी को दिवाली में घर को सजाने का बहुत शौक होता है ना। तो उसी के लिए मैं एक वीडियो लेके आई हूँ, जो कि कम दाम में बहुत सुंदर चीज़ें हम आज बनाने वाले हैं। उसके लिए देखिए, मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है। और इससे पहले आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपको और भी सुंदर सुंदर वीडियोज़ देखने के लिए मिले। तो देखिए, मैंने ये थिक कार्डबोर्ड लिया है। ये मेरे घर पे था और मुझे इसकी थिकनेस अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। आप भी ऐसा ही कोई कार्डबोर्ड ले सकते हैं। और मेरे पास ये MDF बोर्ड पड़ा था, मैं इसको नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमें थोड़ा सस्ते में अच्छा काम चाहिए, तो मैं कार्डबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ। उस कार्डबोर्ड को मैं ये इसकी शेप देने वाली हूँ और यही साइज़ मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये साइज़ ले लिया 5x5। तो आप इसके लिए आप कुछ भी साइज़ ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने 5x5 साइज़ ले लिया है। और मेरे पास ये पेन कटर है। इस पेन कटर की खासियत ये है कि बहुत शार्प होता है और बहुत सफाई से कटिंग करता है। आप कोई भी शेप इससे काटें तो बहुत अच्छे से कट जाती है। ये आपको ऑनलाइन ईजिली मिल जाएगा या किसी भी स्टोर में मिल जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैं इसको काट रही हूँ। बहुत सफाई से इसकी मुझे कटिंग करनी पड़ेगी, अगर ये अच्छे से आप कटिंग नहीं करेंगे तो सुंदर नहीं लगेगा। और देखिए ना, आप ज़रूरी नहीं है आप यही कटर यूज़ करें, जो नॉर्मल कटर होता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपके पास ईजिली मिल जाए ना, आप उसको यूज़ करिए। तो देखिए, मैंने ये अच्छे से कटिंग कर ली है और एक साइड देखिए लाइन वाला है और एक साइड प्लेन। तो हम प्लेन साइड को एज अ फ्रंट यूज़ करेंगे और लाइन्स वाली को बैक साइड रखेंगे। तो हम इसके अब बाउंड्री क्रिएट करेंगे थोड़ी देर में, जो कि मैं इस रोप से करूँगी। ये जूट रोप है, आप इससे मोटी आती है, मोटी वाली आती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, मैंने टिश्यू पेपर ले लिया, इसको क्रम्बल कर लिया है। और क्रम्बल करने के बाद मुझे कुछ इस तरीके से फ्रंट जो साइड है हमारी, उसको अच्छे से कवर करना है। तो इसके लिए मैं देखिए ग्लू लगा रही हूँ, चारों तरफ इस तरीके से ग्लू लगाएंगे। और किसी भी चीज़ की हेल्प से, आप फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं, इस तरीके से इसको स्प्रेड कर देंगे, जैसे आप ब्रेड में बटर स्प्रेड करते हैं ना, उस तरीके से इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और स्प्रेड करने के बाद ये टिश्यू हम लेंगे और टिश्यू को ऐसे ओपन करके फ्रंट साइड पे लगा देंगे। और लगाने के बाद हल्के हल्के हाथ से डैप करना है, क्योंकि जो हमारा सरफेस है वो थोड़ा सा ग्लू की वजह से स्टिकी रहता है ना, तो फटने का भी डर रहता है। इसलिए आप बहुत केयरफुली उसको डैप करेंगे। और इस तरीके से पीछे की तरफ भी देखिए, मैं ग्लू लगा के थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर दूँगी एजेस की, जो भी साइड से हमारी, उस साइड से थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर दूँगी, ताकि बैक साइड पर भी हमारा टिश्यू जो है वो अच्छे से चिपक जाए। तो इस तरीके से हम देखिए, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रफली हो गया था, तो थोड़ा सा वहाँ से फट गया है, बट इट्स ओके, वो अभी गीला है तो अच्छे से, वेट है तो अच्छे से चिपक सकता है। बट हाँ, सूखने के बाद ये ना फटे, इसका ध्यान रखें। और देखिए, जो ये एक्स्ट्रा टिश्यू है उसको हम इस तरीके से सीजर की हेल्प से कट कर देंगे, ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ। एक्स्ट्रा जो भी मुझे लग रहा था मैंने कट कर दिया है। और इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा उसको पीछे से दबा दूँगी, क्योंकि अभी भी हमारा जो ग्लू है वो वेट है। और अब मैंने दूसरा भी इसी तरीके से रेडी कर दिया है जैसे पहले किया था। दोनों हमारे कार्डबोर्ड अच्छे से रेडी हैं। अब हम इसकी बाउंड्री को डेकोरेट करेंगे इस रोप से, जो कि जूट रोप है, मैंने आपको बताया था। इस रोप को हम अच्छे से चारों तरफ इस स्क्वायर कार्डबोर्ड के लगा देंगे इस ग्लू की हेल्प से। ग्लू आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास होगा आप उस ग्लू को यूज़ करें। और इस तरीके से देखिए, चारों तरफ आप लगा देंगे। और इसको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी मुझे लगाने में, क्योंकि अगर आपके पास ग्लू गन है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसको, क्योंकि उससे क्या होता है ना, बहुत जल्दी ईजिली ये पेस्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे शेप नहीं ले पा रही थी, थोड़ा सा टाइम इसने लिया था, बट कोई बात नहीं, ये हो गया था। आपके पास ग्लू है तो आप उससे कर लीजिएगा। तो देखिए, ये इस तरीके से हमें इसके चारों तरफ लगा देना है और दूसरे वाले में भी हमें इस तरीके से लगा देना है। देखिए, दोनों रेडी हो गए हैं, हमने अपनी रोप भी लगा दी है। अब हम इसका जो फ्रंट साइड है इसको हम कलर करेंगे। इसके लिए मैंने रेड, ऑरेंज और ये येलो कलर लिया है। तो इन तीनों कलर का हम यूज़ करने वाले हैं आज अपने बैकग्राउंड को पेंट करने के लिए। तो देखिए, मैं इस अब 10 नंबर, ये मेरे पास राउंड ब्रश है फेबर कैसल का, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रश इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बस राउंड ब्रश ही यूज़ करना है, बट हाँ, ये मुझे लगा कि ठीक रहेगा तो मैंने यूज़ कर लिया। देखिए, मेरी पैलेट है, मैंने तीनों कलर इसमें थोड़े थोड़े डाल दिए हैं। और अब सबसे पहले मैं सेंटर में येलो कलर दूंगी। येलो कलर देने के लिए
देखिए मैंने येलो कलर लिया, बट मुझे ना ऐसा लग रहा था कि येलो थोड़ा सा ना दब सा रहा है, डल कलर लग रहा था। तो आप येलो को ब्राइट करने के लिए उसमें वाइट कलर मिला सकते हैं, जैसे मैंने मिला दिया। और इस तरीके से मैंने बीच में येलो रखा है, देन मैं उसको अच्छे से मिक्स करूँगी ऑरेंज के साथ। अब मैंने येलो के बाद ऑरेंज कलर में ये यूज़ कर रही हूँ, और फिर हमारा जो लास्ट में हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे रेड कलर। तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको ये दिखाना है, आपको अपना बैकग्राउंड अच्छे से कलर्स जो है मर्ज करने हैं, कि वो एक लगे नहीं कि अलग अलग हैं, वो एक दूसरे में अच्छे से मर्ज हो जाएं। तो इस तरीके से देखिए मैं राउंड राउंड इस ब्रश को घुमा रही हूँ और धीरे धीरे अपना बैकग्राउंड रेडी कर रही हूँ। मैंने वाइट थोड़ा सा और ऐड कर दिया ताकि ये थोड़ा अच्छे से मर्ज हो जाएं और अच्छे से ब्लेंड हो जाएं एक साथ। देखिए ये ऐसे ही ना थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है ब्लेंडिंग का, बट आप सीख जाएंगे, आप आराम आराम से करेंगे तो ब्लेंडिंग हो जाएगी। देखिए मैंने दोनों में सेम कलर कॉम्बिनेशन रखा है। और अब हम यूज़ करने वाले हैं ये मिरर्स। तो देखिए मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप के मिरर्स ले रही हूँ, और छोटे ही थोड़े मिरर्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। देखिए आप जैसा आर्टवर्क बनाते हैं, अगर आप बड़ा बनाते हैं तो आप उसमें बड़े मिरर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वैसा। तो मैंने ना ये छोटे मिरर्स ही लिए हैं क्योंकि मेरा आर्टवर्क छोटा है थोड़ा सा, तो इसलिए छोटे मिरर्स लिए हैं। और इस तरीके से वन बाय वन हम ग्लू लगा के मिरर्स को लगाते रहेंगे। और देखें आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और दिवाली का फेस्टिव सीज़न आ रहा है, दिवाली भी आ रही है, तो ऐसे ही हम कुछ सस्ते सस्ते सुंदर सुंदर घर को सजाने के लिए आइडियाज़ आपके पास लाते रहेंगे, जिससे आपको भी हेल्प मिले अपना घर सजाने के लिए। तो देखिए अब हम ऐसे धीरे धीरे मिरर लगा लगा के हमने अपना इस आर्टवर्क में स्वास्तिक बना दिया है। और आप मिरर वर्क पता है क्या, बहुत सुंदर लगता है आप किसी भी चीज़ में करें ना, तो मिरर वर्क की ना एक अलग ही ग्रेस आती है। तो इस तरीके से देखिए हमने स्वास्तिक बना दिया है। अब मैं राउंड मिरर की हेल्प से इसके सेंटर में 4 राउंड मिरर इस तरीके से लगा दूंगी, तो हमारा ये स्वास्तिक रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम अपने दूसरे पीस को भी रेडी कर लेते हैं फटाफट। तो उसके लिए भी मैं मिरर का ही यूज़ करूँगी, और ये आई शेप्ड मिरर मैंने चूज़ किए हैं। तो इस आई शेप्ड मिरर को हम अब अपने ओम बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए जल्दी रेडी करते हैं। इस तरीके से हम अपना ग्लू लगा लगा के ओम की शेप इसको दे देंगे, और धीरे धीरे हम इसको अच्छे से पेस्ट करते रहेंगे और शेप देते रहेंगे। देखिए जब ये ग्लू हमारा वेट होता है ना, आप इसको अच्छे से तब शेप दे सकते हैं, एक बार सूख गया तो फिर जो मिरर हैं वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। तो इस तरीके से हम फटाफट से अपना ओम रेडी कर देते हैं। अगली वीडियो हम बहुत जल्द ही लाने वाले हैं, बस आप हमारी इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिए। देखिए हमारा ये ओम रेडी हो गया है, और हमने इसको अच्छे से ओम का शेप दे दिया है। अभी हमारा ग्लू जो था वो वेट ही है, इसको थोड़ा ड्राई होने देंगे। और अब हम यूज़ करेंगे ये ब्लैक एक्रेलिक कलर, इसकी जो हमने रोप लगाई थी ना बाउंड्री पे, उसमें हम इस ब्लैक एक्रेलिक कलर को यूज़ करेंगे, और इसके जो एजेस हैं उन सबको ब्लैक कलर दे देंगे। और रोप में ना थोड़ा ब्लैक कलर अच्छे से ये एक्रेलिक कलर लग नहीं रहा था, तो आप थोड़ा सा उसको पानी डाल के पतला कर सकते हैं और फिर लगा दें। तो देखिए मैंने दोनों में ही ब्लैक एक्रेलिक कलर दे दिया है। अब मैं ये मेटेलिक ब्रॉन्ज कलर लिया है मैंने, और इसको मैं ना बहुत हल्का हल्का इसको टचअप दूंगी, जो हमारा ये बाउंड्री है ना इसमें। देखिए इतना सा मैंने लिया है, और इसी तरह से ज़्यादा नहीं हमें यूज़ करना है, बस हल्का सा इसको मेटेलिक लुक देने के लिए हम ऐसे ऐसे अपनी रोप के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा फिंगर टिप से लगा देंगे। तो देखिए जैसे ये लगा रही हूँ मैं, ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा सा हल्के हाथों से लगाना है। आप चारों तरफ इसको लगा दीजिए, और इसी तरीके से हम अपने दूसरे जो हमारा पीस है उसमें भी हम ये लगा रहे हैं। और जब आप ऐसा लगा देते हैं ना, ब्रॉन्ज है तो आप ब्रॉन्ज का यूज़ सकते हैं, गोल्डन है तो गोल्डन का कलर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो उसको थोड़ा शाइन दे दे। तो देखिए इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। और अब ना मेरे पास ये कुछ एक माला पड़ी हुई थी, ऐसी मेरे पास 2-3 माला पड़ी है बहुत पुरानी, तो मैंने सोचा कि घर की ही चीज़ों से बनाया जाए, क्यों एक्स्ट्रा खर्चा करें, जो हमारे पास हैं वेस्ट में है उसी को यूज़ किया जाए। तो इस तरीके से अब मैं इसकी लटकन बनाने वाली हूँ। और देखिए मैंने ये इस तरीके से इक्वल पार्ट्स में इसको काट दिया है, और अब मैं इसको इस तरीके से 4-4 पार्ट में लगा दूँगी। देखिए इस ग्लू गन की हेल्प से मैं इसको लगा रही हूँ, और हमारा ये देखिए रेडी है। देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं ना हमारी लटकन। तो आप लटकन के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये था तो मैंने ये यूज़ किया, आपके पास कुछ और हो तो आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।